राज्य के ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के कार्यवाहक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज उत्तरी नागपुर में 19 करोड़ 5 लाख रुपए के 7 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसमें उत्तरी नागपुर के ब्लॉक 13, 14 और 15 में विकास कार्य शामिल है। विधायक निधि से 15,79,000, उत्तर दलित विकास कोष 60,76,000, दलित बस्ती विकास योजना 10,38,000, नागपुर सुधार प्रणय कोष 1,727.48, विकास कार्यों में सीमेंट सड़कों शौचालय ब्लॉकों के साथ साथ जिम भवन का निर्माण शामिल है। मार्टिन नगर, मौजा, नारा, कस्तूरबा नगर, जरीपटकल, कल्पना नगर, कलमना, शिवाजी चौक, वन देवी नगर, यशोधरा नगर, महेंद्र नगर में विकास कार्य कराए जाएंगे। इस अवसर पर रत्नाकर, जयपुरकर, बंदोपत, टेम्भू ने प्रखंड 13 के अध्यक्ष सुरेश पाटिल, प्रखंड 14 के अध्यक्ष दीपक खोबरागड़े, प्रखंड 15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर उपस्थित थे। इस समय भूमि पूजन स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद थे।